গুড মর্নিং, ক্রিকেট খেল রা? হ্যাঁ, কেমন আরা সালা? ক্রিকেট খেল রা? কিছু কাম যা রা, কাম যা রা, কোই কাম তো মামা জি যাও। আর শোনা, বল বল, বড়ি আনন্দ। আর শোনা, তুই আজ কে কে আজ কে সুসবে? মানে তো ওয়াক করকে আয়া রা। তো ওয়াক করকে আতা করু? হ্যাঁ, সুবহ করতা হুন 5 কিলোমিটার পার ডে ওয়াক। বহুত বড়িয়া, বহুত বড়িয়া। क्या करूं भाई साहब, हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो मार्च डॉक्टर बोले उससे पहले खुद ही ध्यान रखूं। बस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुबह 5:30 बजे निकल जाता। बहुत बढ़िया। और सुना? बस आनंद। क्या हुआ, 144 धारा लगाने के लिए सिफारिश कर दी WHO ने? पूरे इंडिया में नहीं, जयपुर और राजस्थान में दो शहर, जयपुर उदयपुर। उदयपुर जयपुर में? हाँ, 144। हाँ, 10 विद इन। हुआ क्या, ये WHO की जो रिपोर्ट जाती है ना, अच्छा, तो इसकी इंडिया की डायरेक्टर मेरा फ्रेंड है सौरभ, उसकी सिस्टर है। अच्छा। तो कल शीतला सप्तमी पे हम सब बैठे हुए थे तो उसने फोन लगाया था। हाँ। क्या हमारे क्या हर साल शीतला सप्तमी साथ में मनाते हैं शाम को गार्डन के अंदर। अच्छा। 7-8 परिवार। तो कल हम सब थे तो सौरभ ने सिस्टर को फोन लगाया। हाँ। तो उसने क्या है, ये जो 31 मार्च तक बंद बोला है ना सिनेमा हॉल और ये सारे मॉल वॉल और ये, इन्होंने गवर्नमेंट को भेजा था 15 अप्रैल तक का। 15 अप्रैल तक? अच्छा। हाँ, इसको बंद करो 15 अप्रैल तक का। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि पैनिक हो जाएंगे एकदम से लोग, तो इसको पहले 31 मार्च तक किया जाए। फिर इन्होंने क्या है, 7 दिन बाद वापस गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है। हाँ। कि 15 अप्रैल से 15 जून तक को इंडिया को लॉकडाउन किया जाए, नहीं तो स्थिति क्योंकि हाई रिस्क पे आ गई है इंडिया में। WHO ने रिपोर्ट दे दी है कि इंडिया में हाई रिस्क रहेगा। अच्छा। तो 15 अप्रैल से 15 जून, मेरी बात सुन, 2 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा पूरा, कोई न दुकान खुलेगी, केवल पुलिस और हॉस्पिटल, दो चीजें रहेगी। ये WHO 15 जून तक लॉकडाउन के लिए इन्होंने सिफारिश भेज दी है WHO ने। इनके जो आंकड़े आते हैं ना, हर चौथे दिन आंकड़े ये वापस चेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो कल वो बोल रही थी कि 15 अप्रैल से 15 जून तक के अभी हमने आंकड़े भेजे हैं कि इंडिया को लॉकडाउन किया जाए, जैसे इटली और अमेरिका और ये सब नहीं हो गए, ईरान और ये, तो लॉकडाउन अपने 15 अप्रैल से 15 जून की सिफारिश भेजी है। और 4 दिन बाद वो बोल रही है कि हम वापस आंकड़े भेजेंगे तो संभावना ये है कि 1 तारीख से ही लॉकडाउन चालू हो जाए। हाँ, और उससे पहले ये धारा 144 जो हाई रिस्क वाले सिटीज है ना, जैसे जयपुर और उदयपुर, क्या उदयपुर में 10,600 पर्यटक आके चले गए हैं मार्च के 1st और 2nd वीक में, ठीक है ना, और उनकी स्क्रीनिंग आधों की भी नहीं हुई थी। तो कल भी एक सुखेर में और एक सेक्टर 4 में कोरोना का संदिग्ध मिला उदयपुर में। अच्छा। तो जहां जहां मिल रहे हैं वहां पे 144 की धारा 1 तारीख से लग जाएगी। तो कल वो हमें फोन पे बता रही थी कि सौरभ, तू और तेरे दोस्तों को बोल रहे कि 8 दिन के अंदर अंदर जितने बैंक के काम है सब निपटा ले, घर में कैश रखे, और दूसरी बात, क्योंकि WHO की जो अभी रिपोर्ट जारी है ना उसमें इंडिया के हालात सबसे बदतर बताए गए, क्योंकि यहाँ की जो कच्ची बस्तियां हैं और यहाँ की जो पब्लिक है उस हिसाब से गवर्नमेंट के पास साधन ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे साधन नहीं है कि आप हर मरीज को आप टच कर लोगे, और जैसे लॉकडाउन होगा उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाने की भी परमिशन नहीं रहेगी। घर में रहो, आप फोन करोगे आपको टीम घर में आएगी, है ना। और दूसरा उसने ये बोला, कम से कम 1.5 महीने से 2 महीने का राशन घर पे रख लेना, इतना तक उसने बोला कल। वो क्या है, पहले एम्स में थी, फिर उसको अभी 2 साल पहले WHO की डायरेक्टर बना दिया इंडिया की। तो अभी वो जितने भी ये सर्वे हो रहे हैं, देख पहले मेरी बात सुन, 31 मार्च तक का इन्होंने बंद किया था। आज इन्होंने क्या यात्रा पे रोक लगा दी है, तूने आज का अखबार पढ़ा? कहीं पे भी आप घूमने नहीं जा सकते, मतलब की बसों में ट्रेनों में जाने के लिए मना कर दिया है आज के अखबार में। अच्छा। अखबार पढ़ा? तो ये धीरे धीरे, जैसे उन्होंने नोटबंदी करी थी ना कि पहले पेट्रोल पंप पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे चालू रहेंगे, बैंक में चालू रहेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे ही गवर्नमेंट एकदम से पैनिक नहीं होने देना चाह रही अभी पब्लिक को। तो ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रही है, और 1 तारीख से हो सकता है, हमने तो 1 अप्रैल से पहले जयपुर उदयपुर में तो 140 धारा लग भी जाए। और अभी तो इन्होंने 15 अप्रैल का बोला है लॉकडाउन का, जो अभी परसों के दिन इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी ना उसमें इन्होंने 15 अप्रैल से 15 जून का लॉकडाउन बोला है, जिसमें बीच में 15 मई का गवर्नमेंट अब 2 महीने के लिए एक साथ लॉकडाउन नहीं करेगी, एक एक महीना करेगी। जैसे अभी इन्होंने ये बोला था ना कि 15 अप्रैल तक सारे सिनेमा हॉल स्कूल सब बंद किए जाएं, तो इन्होंने 31 मार्च किया। तो ऐसे ही एक एक महीना करके लॉकडाउन करेंगे। हाँ, घर में बैठो। तो उसने तो स्पेशली बोला है, और एक बात ध्यान रखना, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो घर के जितने भी बड़े हैं, मतलब कि अपन जैसे, वो बोला कि कम से कम लोगों से मिलना, क्योंकि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा आ रही है,
और 1 से 10 साल तक के बच्चों के अंदर 0% है ये। अच्छा, अभी जितनी भी डेथ हुई है ना, हाँ। मेरी बात सुन, उसमें बच्चे के नहीं आए, सारे बूढ़े बूढ़े आए। हाँ सब। और इटली के अंदर तो इन्होंने ये कर दिया कि 60 साल से ऊपर वालों का इलाज बाद में किया जाएगा, पहले बच्चों का, पहले जवानों का किया जाएगा। हाँ, वहाँ तो क्योंकि वेंटिलेटर नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, मेरी बात सुन, जवानों को। और गवर्नमेंट के पास आज तो किसी भी हॉस्पिटल में चला जाए, 5-7 वेंटिलेटर ज्यादा है ही नहीं, किसी भी तो वेंटिलेटर है ही नहीं। अब हॉस्पिटल के बाहर खड़े 4,000 लोग, 2,000 लोग वेंटिलेटर है साले, 10-20-50। तो जो जवानों में जिनको प्रॉब्लम है, जिनका इलाज हो सकता है, उनको वेंटिलेटर पे बोल रहे हैं ले लो, और बाकी का ना इनको छोड़ दो। तो वो चीज है, तो थोड़ा सा मैंने कहा तेरे को बता दूं, थोड़ा सा घर के अंदर जितने भी, एक उसने बोला इमरजेंसी दवाइयां जितनी भी तेरे चलती हो घर में, या बच्चों की तेरी जैसे जुकाम सर्दी खांसी, इनकी दवाइयां लेके रख लेना, क्योंकि जैसे धारा 144 लगेगी उसके बाद में एकदम से लोग इसको खरीदेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो क्या है, 8-10 दिन में लगा, बॉम्बे लगा दी, पूना लगा दी 144 धारा लगा दी क्या? हाँ, बॉम्बे में लग गई ना, 3 दिन हो गए, और पुणे में कल 34 बंदे पुणे में इनको और लिया है जिनको कोरोना हो सकता है, 34 है। अखबारों में पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है, अच्छा। अखबारों में वही आंकड़े दिए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, ताकि लोगों में दहशत माहौल नहीं हो जाए। अच्छा। कल केवल पुणे के अंदर 34 लोग हैं वो बता रही थी, बोला आंकड़े अखबारों में पूरे नहीं बताए जा रहे। जो मेरी बात सुन, जितनी इमरजेंसी दवाइयां हैं, जुकाम सर्दी खांसी जो भी है, एंटीबायोटिक्स, ये सब घर में लेके रख लेना। नहीं, सच्ची बात है यार, मैंने इसीलिए तेरे को सुबह फोन किया, क्योंकि मतलब कि इंडिया के किसी भी अगर हॉस्पिटल में इलाज कराना है ना, तो उसका फोन ही काफी है डॉक्टर्स के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या है, उसने हमें बोला हुआ है कि रोमी या हमारे जितने भी हैं गिरीश, उन्होंने बोला हुआ है किसी भी डॉक्टर से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कोई बड़ा केस ऐसा हो जाता है तेरे या तेरे रिलेटिव में, और कोई डॉक्टर नहीं दे रहा, तो मेरे से फोन पे बात कराना, उसी वक्त सारे केस छोड़ करके वो तुम्हारा इलाज करेगा। तो मैंने बोला कि ये चीजें तुझे बता दूं, कि अगर सारी तेरी इमरजेंसी के काम सारे निपटा लेना विद इन 10 डेज, ठीक है। और दवाएं वाएं यार ये तो लेके रख ले, राशन पानी और ये सब, क्योंकि लॉकडाउन जिन्होंने बोला है 15 अप्रैल है, पोजीशन जैसे कि हर 4 दिन बाद वापस चेंज करेंगे। अच्छा। अभी जैसे आज 17 तारीख हुई है, तो 21 या 22 को फिर इनकी वापस रिपोर्ट जाएगी, तो हो सकता है ये लॉकडाउन 1 तारीख को बोल रहे हैं, मतलब होना पक्का ही है। हाँ, ये पक्का है कि लॉकडाउन होएगा, नहीं संभल रहा इंडिया में, नहीं संभल सकता, क्योंकि कच्ची बस्ती है और पब्लिक इतनी है, क्योंकि चाइना से भी बुरा हाल है, चाइना के पास तो फिर भी सामान है इलाज करने का, सही बात है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो इसलिए जो भी तेरे को करना है ना, ये सब विद इन 5-6 डेज के अंदर ये निपटा ले जितना भी है, और घर में थोड़ा बहुत कैश और राशन पानी अच्छे से रख लेना। और सुना, बस बढ़िया, सब बढ़िया, सब आनंद। चल, कहाँ जा रहा है अभी मामा जी के? अकेला ही है या प्रीति भी है? प्रीति भी है ना, पीछे बैठी है। पीछे बैठी, आगे बिठाने में तेरे को शर्म आती है? समझने आगे पापा बैठे हुए हैं। तेरी मम्मी पापा के साथ है? हाँ, सब चार पांच ही है। अच्छा अच्छा, चल ठीक, ओके मेरी जान, ओके।